के इस वीडियो में सोलर पैनल जो बनने की जर्नी है वो डिटेल में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी जहां पे आया हुआ हूं ये गुजरात का अहमदाबाद है और यहीं से बहुत सारी कंपनी है जो अपना सोलर पैनल बनाती है। नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, नॉर्थ ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस है जहाँ पे ये अपना सोलर पैनल सिस्टम बनाते हैं या सोलर पैनल बनाते हैं, जो कि सोलर पैनल सिस्टम में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो इनके कंपनी को पूरा विजिट करेंगे, किस तरीके से पूरा सोलर पैनल बनने का प्रोसेस है वो डिटेल में जानेंगे, और साथ ही जानेंगे कि अभी के समय में जो प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सूर्यघर योजना स्टार्ट किया है उसकी क्या तैयारी होने वाली है, ये भी आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो चलिए इस कंपनी में चलते हैं और देखते हैं सोलर पैनल बनाने की जर्नी कैसे होती है। डायरेक्टर साहब कैसे हैं सर? हाँ, मैं अच्छा हूँ। और तो बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैं जानता हूँ, आप हार्ड सर हैं। Yes, तो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आप बेसिक इंट्रोडक्शन दे दें और फिर हम सोलर पैनल की जर्नी भी दिखाएंगे आपके साथ। श्योर। बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोग अहमदाबाद के इंटीग्रेटेड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है। हम एकमात्र सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है जो 3 वाट से 335 वाट पॉली और 3 वाट से 545 वाट मोनो क्रिस्टलाइन बायफेशियल पैनल बनाते हैं। एक ऐसी कंपनी जो कि सबसे छोटी से छोटी और सबसे बड़े से बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चर इसी जगह पे करते हैं, ऐसा अहमदाबाद में कोई नहीं करता। और ये हाँ, सबसे पहले मैं प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे सोलर पैनल के लिए सोलर सेल्स होते हैं उसको कट किया जाता है। कट करने के बाद जो प्रोसेस होता है स्ट्रिंगिंग का प्रोसेस, वो पूरा प्रोसेस मैं दिखाता हूँ आपको। इसको सेल स्क्राइबिंग बोलते हैं, सेल स्क्राइबिंग को सेल कटिंग भी बोलते हैं, जो कि एग्जैक्ट प्रिसीजन में सोलर सेल को कट करेगा और अपने मुताबिक सोलर पैनल बनाएगा। ये हाफ कट सेल है, इसको हम बीच में से 50% कट कर रहे हैं और ये हाफ कट सेल 75 वाट या 80 वाट की मॉड्यूल को बनाने के लिए सक्षम रहेगा। तो ये मॉनिटर में यहाँ पे दिखता है? यस सर, ये दिखता है कि कितना परसेंटेज कट हुआ है, कितना परसेंटेज बाकी है। ओके हो गया है तो सेल को वो लोग कट करके फिर नेक्स्ट सेल पे जाते हैं, और सेल कट होने के बाद हाफ कट सेल ऐसा दिखेगा। ये पीछे की साइड है सेल की और ये आगे की साइड है सोलर सेल की। ये लेजर कटिंग है ना? यस, ये लेज़र कटिंग सेल है और लेज़र कटिंग को प्रिसीजन कटिंग भी बोल सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपने सेल कटिंग का भी यहीं पे रखा हुआ है? यस, इन हाउस है, इन हाउस प्रोसेस है हमारी। यस, नेक्स्ट आप क्या दिखाएंगे? यदि सेल यहाँ से कट गया, yes, वो सेल कहाँ पे जाता है? सेल कटिंग होने के बाद सेल को लेअप और स्ट्रिंग करते हैं, और स्ट्रिंगिंग के लिए मशीन है जो कि हमारी ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें पूरा सेल स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग होने के बाद उसके अंदर एक एक सेल को जोड़ा जाता है, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये सोलर सेल है, वो एक एक करके इस टेबल पे लेके आएगा, टेबल के ऊपर रखेगा, और स्ट्रिंग होती है वो सोलर पैनल को एक एक बस बार पे स्ट्रिंग करके उसको आगे लेके जाएगा। और ये पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसके अंदर कोई भी हाथ से हमारा टचिंग नहीं होता है। तो ये हमारा जो सेल कट होता है वो वहाँ पे रखा जाता है? यस, ठीक है, उस चैम्बर में, और वहाँ से हमारी जो ऑटोमेटिक मशीन है वो सेल पिक करती है और यहाँ स्ट्रिंग बनाने के लिए आगे बढ़ाती है। यस, ओके, ग्रेट। उस सेल का 9 सेल को एक साथ लेअप करने का प्रोसेस होता है, उसको स्ट्रिंग से बांधा जाता है,
स्ट्रिंग को बांधने के बाद एक एक सेल को सोल्डर किया जाता है। वो सोल्डर मशीन ये है और 180 डिग्रीज के तापमान में गर्म होता है और वो गर्म होने के बाद आपका पूरा पैनल स्ट्रिंग होके रेडी वो टेबल पे रख जाएगा। ये सोल्डरिंग मशीन है और 180 डिग्री पे ये सोल्डरिंग करेगा। बहुत अच्छा। तो वहाँ से हमारा जो जर्नी है सेल बनने का स्टार्ट हो गया चैम्बर से। वहाँ से आप देख रहे हैं स्ट्रिंग में कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे सोल्डरिंग हो रही है और फिर ये आगे बढ़ रहा है। यस गॉट इट सर। इसके आगे की जर्नी क्या होती है? ये पूरा स्ट्रिंग हो जाने के बाद लेअप होता है और लेअप को आगे बढ़ाने के बाद पूरा स्ट्रिंग रेडी होता है। वो स्ट्रिंग का प्रोसेस होता है वो 9 स्ट्रिंग्स का रहता है या फिर 18 स्ट्रिंग्स का रहता है या 12 स्ट्रिंग्स का रहता है। 9, 18, 12 स्ट्रिंग वो अपने पैनल के हिसाब से है। अभी जो हो रहा है वो 9 स्ट्रिंग का प्रोसेस है और वो ये रोबोट है, वो रोबोट यहाँ से वहाँ पे उसको आराम से रख देगा। अच्छा, स्ट्रिंग रेडी हो गई है हमारी और ये पैनल बनने के लिए 100% तैयार है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद कहाँ जाती है हमारी पैनल? नेक्स्ट हमारा लेअप होता है। सोलर सेल्स को हम प्लेस करते हैं कांच के ऊपर और वो प्लेस होता है एक ईवीए और ईवीए के ऊपर सेल रखे जाते हैं। सेल रखने के बाद बैकशीट रखते हैं। okay. उसका प्रोसेस पूरा मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये जो स्ट्रिंग हो गई है, स्ट्रिंग होने के बाद उसको प्लस माइनस सीरीज में जोड़ा जाता है और वो जोड़ते हैं। उसके बाद हमें प्लस माइनस सोलर सेल से कितना आउटपुट लेना है ये मालूम पड़ता है। तो ये 12 वोल्ट्स की पैनल का स्ट्रिंग हो रहा है तो 9 पैनल को हमने सीरीज 9 सेल को सीरीज में रखा हुआ है और 36 सेल को सीरीज में करके हम लोग 12 वोल्ट्स जनरेट कर रहे हैं। ओके, और फिर जैसे ही यहाँ पे रखा जा रहा है तो सेल हिले नहीं, इसके लिए टेपिंग हो रही है। हाँ, सेल प्लेसिंग टेप है इसको बोलते हैं। हाँ, ये कहीं पे हिले नहीं, इससे टेपिंग किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारा ग्लास है, ईवीए सीट है और देन हमारा सेल है। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो स्ट्रिंग हुआ है वो है हमारा सोलर सेल है और इस तरीके से प्लेस किया गया है और यहाँ पे ये अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेगा। करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे शोल्डरिंग हो रहा है, यहाँ पे बस बार शोल्डर करते हैं। ये बस बार जितने भी ट्रैक है उसमें से सोलर सेल के करंट को लेके आएगा, यहाँ पे स्टॉप करेगा और स्टॉप करने के बाद यहाँ पर बीच में 1, 2 और 3 स्ट्रिंग रखेंगे। अच्छा। एक प्लस माइनस और ये न्यूट्रल है। ओके। जो कि जंक्शन बॉक्स के ऊपर लगेगा। जंक्शन बॉक्स के ऊपर लगने के बाद वहाँ पे पावर स्टॉप हो जाएगा और उतना वोल्टेज और एम्पियर जनरेट करके आपको दे देगा। अच्छा अच्छा। सामने की साइड भी अगर देखेंगे तो 2 स्ट्रिंग को जोड़ा गया है, प्लस और माइनस स्ट्रिंग को। ठीक है। और वो प्लस और माइनस स्ट्रिंग आपको पावर वहाँ से स्टॉप करके जनरेट करके इस साइड पे ये साइड पे प्रोवाइड करेगी। ओके। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस है, इसके ऊपर और एक ईवीए लगाएंगे हम। okay. और फिर बैकशीट जो कि वाइट कलर की शीट होती है जिसके लगाने से हमारे जो सन रेज है वो बाहर की और नहीं आएंगे। okay. ये वहाँ से कट किया गया है और yes. वहाँ पे जंक्शन बॉक्स के लिए जगह बना दी है। तो और अभी यहाँ पे एक बैकशीट लगाएंगे। अच्छा, ये बैकशीट है हमारा, इस तरीके से पूरे चेक करके यहाँ पे बैक सीट लगाया जाता है।
और अच्छे तरीके से, ताकि जंक्शन बहुत अच्छे तरीके से फिट आ पाए, यस वहाँ पे होल किया जाता है। बहुत अच्छा, और साथ में इसकी टेपिंग भी हो रही है, यस, तो सेल हिल नहीं जाए उसके लिए। इसके बाद यहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं कि करंट कितना आ रहा है, करंट आउटपुट ओके है। ये दिखाइए, करंट आउटपुट ओके होने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 12 वोल्ट से ज़्यादा ही आ रहा है, 16.9 आ रहा है, तो ये ओके पैनल है। यहाँ पे सनरेज भी आ रही है, यस, दिस इज़ अ सन सिम्युलेटर टाइप ऑफ थिंग। इसके अंदर आपको कितना वोल्टेज आ रहा है ये आराम से दिखाएगा, और नीचे हमने ट्यूब लाइट्स रखी हुई है, हेलोजन की तरह काम करती है, और उससे हमें मालूम पड़ता है कि 12 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पे जो चेक किया जा रहा है कि पूरे स्ट्रिंग अच्छे से वोल्टेज बना रही है नहीं बना रही है, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर यानी 12 वोल्ट का है और 16.9 वोल्ट का जनरेशन यहाँ पे दे रहा है। पैनल एक वक्त आम बता ही दो ऐसे करके, अभी पैनल हम देखेंगे कि ओके है कि नहीं है दोनों साइड से। ओके, बहुत अच्छा। अभी ये लेमिनेशन प्रोसेस रहेगा, इसमें चैम्बर ओपन होता है और 140 डिग्री के अंदर ये पैनल्स को अंदर शेकता है, यानी ये भट्टी जैसा होता है, गर्म होता है, ईवीए जो होता है वो पिघलता है उसके अंदर, और सेल को जो प्लेस किए होते हैं उसको एयर टाइट बना देता है, जिसकी वजह से पानी और हवा IP68 प्रोसीजर रहता है, वो IP68 बना देता है इसको, जिसकी वजह से इसके अंदर पानी और हवा का कोई प्रेशर नहीं आ सकता, वैसा पैनल उसको बना देता है चारों तरफ से। आइए दिखाते हैं कैसे उसके अंदर पैनल रखते हैं। अब ये पैनल वैक्यूम हो जाएंगे और एयर टाइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको हीट और वैक्यूम दोनों मिलेगा, और 140 डिग्री से उनके अंदर जो ईवीए होगा वो पूरा पिघल जाएगा और पूरा सोलर पैनल जो है वो एयर टाइट बन जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग IP68 जो बोलते हैं, जिसको हवा नहीं लगती, पानी नहीं लगता, ना कि उसको कोई गंदी चीज़ या फिर कोई डस्ट पार्टिकल लगता है तो भी कुछ होता नहीं है, वैसी पैनल बन जाए। जो हमने देखा पर डे के हम लोग 300 पैनल्स ऐसे बना सकते हैं, जो कि 75 वॉट या 80 वॉट के मॉड्यूल है, वो ऐसे हम 300 मॉड्यूल्स बना सकते हैं। okay. जो कि पूरे लैमिनेट हो चुके हैं ये। अच्छा, ये पूरा लैमिनेट करके यहाँ पे रखा हुआ है, अभी इसकी फ्रेमिंग होगी। ओके, और तब जाके ये हमारा कुछ इस तरीके का सोलर मॉड्यूल, जैसे कि आपने देखा वहाँ पे लेमिनेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया है। अभी लेमिनेशन प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे ट्रिमिंग प्रोसेस होगा, गर्म पैनल होती है वो थोड़ी ठंडी होने के बाद इसको ट्रिम करते हैं। आइए, जो एक्स्ट्रा ईवीए बैकशीट साइड में होता है उसको निकाल देते हैं, वो निकालने के बाद एग्जैक्ट कांच के ऊपर फ्रेम बैठ जाता है, वैसे ये लोग फ्रेम करते हैं, पर फ्रेम करने से पहले एक बार साइड के जो एक्स्ट्रा बैकशीट एक्स्ट्रा ईवीए जो निकला है वैक्यूम होने के बाद वो निकाल देते हैं। ये अभी जंक्शन बॉक्स लग रहा है, और जंक्शन बॉक्स लगने के बाद जो है इसको पैक कर दिया जाएगा। ये हो गया IP68 पैनल, जिसके अंदर से चारों तरफ से सीलेंट आ गया, तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा ना कभी डस्ट जाएगा। ओके, और ये 25 इयर्स तक रह सकता है इसके अंदर, और फिर हमारी ब्रांडिंग रहती है, कितने वॉट का पैनल रहता है वो सब लिखा जाता है, और इसका एक टेस्टिंग होता है और QC चेक होता है।
क्यूसी चेक। इसके साथ एक रिपोर्ट जनरेट होगा, उस रिपोर्ट को आईवी कर्व रिपोर्ट बोलते हैं, और वो आईवी कर्व रिपोर्ट के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि कितने वाट की पैनल है। अगर वाटेज ज़्यादा है तो ओके है, अगर वाटेज जो थ्रेशोल्ड हमारा माइनस है, 75 वाट की फॉर एग्जांपल पैनल है तो 73 आ रहा है, तो हम लोग उसको नहीं जाने देंगे आगे और वो क्यूसी रिपोर्ट से आउट हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट जनरेट होता है जिसके अंदर उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वीओसी, आईएससी, पी मैक्स, वी मैक्स, आई मैक्स, ये सब जनरेट किया हुआ रिपोर्ट निकलता है, और कितना एफिशिएंसी आया है मॉड्यूल का वो हमें मालूम पड़ जाता है। इसमें वाटेज कहाँ पे पता चल रहा है? पी मैक्स लिखा हुआ है, 100 वाट की पैनल है, 102 वाट जनरेट कर रहा है, 102.57 वाट। तो जैसे 102 जनरेट कर रहा है तो ये पैनल ए ग्रेड है या बी ग्रेड? दिस पैनल इज ए ग्रेड पैनल जिसका वाटेज है और प्लस 1-3% उसका जनरेशन आ रहा है, तो 100 वाट की पैनल है, 103 वाट आ रहा है, तो अराउंड 3 वाट्स पैनल ज़्यादा है, कम नहीं है। अभी ये पैनल क्यूसी पास हो गया है, तो क्यूसी पास का एक लोगो लग जाएगा और टेस्टिंग में ये पैनल खरी उतरी है। मैंने हार्डी के साथ पूरा ही फैक्ट्री विजिट किया और पूरा इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनका सोलर पैनल बनता है, तो इसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये पूरा डिटेल में आज जानने को मिला कि किस तरीके से सोलर पैनल बनता है, टेस्ट होता है और ए बी ग्रेड भी होता है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है जो आपने दिखाया। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा कियोस्क भी है सोलर को लेकर, तो आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा और कैसे लोग आगे बढ़े सोलर को लेकर? तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा पुरुषोत्तम जी का, धन्यवाद आपका कि आप हमारे यहाँ पे पधारे और हमारी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस पूरे इंडिया तक लेके जाने का पहल आपने किया। और एक लास्ट मैसेज जो मैं पूरे देश की आवाम को देना चाहता हूँ वो है कि सोलर एक बहुत ही अच्छा फील्ड है और ग्रोइंग फील्ड है, तो किसी को भी बिज़नेस करना है या फिर किसी को अपने फैक्ट्री या घर के ऊपर सोलर बिठा के अपना लाइट बिल कम करना है, वो दोनों को ही फ़ायदा है। ऐसी चीज़ मैंने कभी देखी नहीं थी और ऐसी चीज़ मैंने आज तक ना कि एक्सपीरियंस की है कि जो बिज़नेस कर रहा है उसको भी फ़ायदा है, जो सोलर पैनल लगा रहा है उसको भी फ़ायदा है, और तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पर्यावरण को भी फ़ायदा है। तो ये करने से फ़ायदा ही फ़ायदा सबको है, और सरकार को भी फ़ायदा है, और सब्सिडी भी दे रही है। तो इससे अच्छी चीज़ ना मैंने आज तक देखी है, ना कोई ऐसा बिजनेस देखा है जिसकी वजह से पर्यावरण को भी फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है और कस्टमर को भी फ़ायदा है, तो तीनों चीज़ ऐसी है कि फ़ायदेमंद है। तो आप आज ही सोलर लगवाएं और पुरुषोत्तम जी जैसे लोगों से जुड़ के अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स देखें और साथ में उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके नए नए वीडियोज़ देखते रहे। ऐसा मेरा मैसेज है सबके लिए। थैंक यू। तो चलिए, कैसा लगा पूरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल है नॉर्थ ग्रीन के बारे में, और स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली नॉर्थ ग्रीन से जुड़िए और पूरे भारतवर्ष में इस ऐसे सोलर पैनल का जो फुल्ली मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, मेक इन भारत प्रोडक्ट है और मेक फॉर भारत प्रोडक्ट है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो इसी मैसेज के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।